माता समझा रही है, आंसू पोंछ रहे हैं। छोटे शिशु के समान भरत जी अपनी मां की गोद में बिलख बिलख कर रो रहे हैं। अपना शोक कहे तो किससे कहे। तभी वशिष्ठ जी का आगमन होता है और वो कहते हैं कि भरत, शोक का समय नहीं, अपने पिता के प्रेत संबंधी कर्मों को पूरा करो, अपनी आत्म शुद्धि करो और आगे का कार्य जो है उसका निर्वाह करो। भरत जी में अब जीने की अभिलाषा नहीं रही। एक तो परमात्मा स्वरूपी बड़े भाई से वियोग हो गया है, दूसरा उनके वन जाने पर उन पर उंगली उठ रही है कि मेरी वजह से हुआ है। भरत जी जीना नहीं चाहते, बहुत विषम परिस्थिति है। अपना घाव दिखाएं तो किसको दिखाएं, अपना दर्द बताएं तो किसको बताएं। कहते हैं कि मैं अग्नि में कूद कर जान दे देना चाहता हूं। बड़े भैया और पिताजी के बिना ये नगर या अयोध्या नगरी मेरे किस काम की, मैं यहां रहकर करूंगा भी क्या, मैं खुद वन को चले जाता हूं। और तभी शत्रुघ्न जी, मंथरा जो अपनी सहेलियों से घिरी हुई थी, उसको केश से पकड़कर खींच कर लाते हैं। मंथरा जोर जोर से चिल्लाती है, किसी तरह से शत्रुघ्न के हाथ से छूटती है तो वो माता कैकेयी के पास जाकर अपने आप को बचाना चाहती है। लेकिन जैसे ही माता कैकेयी छुड़ाने आती है, शत्रुघ्न जी माता कैकेयी पर भी जोर से डांट देते हैं, जोर से क्रोध कर देते हैं। शत्रुघ्न के कठोर शब्दों को सुनकर माता कैकेयी भरत जी की शरण में चली जाती है और तब उस क्रोधित शत्रुघ्न से भरत कहते हैं, भैया स्त्रियों पर हाथ उठाना उचित नहीं है, इसलिए इसको क्षमा कर दो। यदि भैया राम मुझे मां का हत्यारा समझकर घृणा नहीं करते ना, तो आज मैं इन दोनों को अपने हाथों से, इन दुष्ट नारियों को अपने हाथों से खत्म कर देता। शत्रुघ्न भैया, अगर भैया राम जान गए कि हमने स्त्री पर हाथ उठाया है तो हमसे बात नहीं करेंगे, इसलिए इसको जाने दो। ये बात सुनकर शत्रुघ्न जी मंथरा को छोड़ देते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत तुम्हारे पिता ने धर्म युक्त जीवन जीते हुए अपने राज्य को संभाला है और उसी के फल स्वरूप वो स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। उन्होंने इस जन्म में भी, इस जगत में भी भोग को भोगा है और स्वर्ग में भी अवश्य ही सुख प्राप्त करेंगे, इसलिए अब उचित यही है कि तुम्हारा राज्य अभिषेक हो जाए। ये बात सुनकर भैया भरत और दुखी हो जाते हैं। मन ही मन प्रथम बार भगवान राम की शरण में चले जाते हैं, मन ही मन उनको अपना गुरु मान लेते हैं। यात्रा अक्सर मानने से शुरू होती है और यात्रा का अंत जानने में होता है। आप सभी के बीच मुख्य आयोजित कर्ता में से एक हैं उषा शर्मा जी। आप लोग अगर इनके अनुभव को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब उषा जी ने गुरुदेव को टीवी पर देखा था और उनके मन में हुआ कि शायद यही मेरे गुरु बनेंगे, तो वही समय के सद्गुरु ने स्वप्न में आकर उषा जी को दीक्षा दी थी। स्वप्न में ही अपना गुरुतत्व जो है इनके अंदर हस्तांतरित कर इनको अपनी शिष्या स्वीकार कर लिया था। अब जब उनकी दिल्ली में दीक्षा हुई तो वो तो मात्र औपचारिकता ही थी। कभी कभी मानने से यात्रा शुरू हो जाती है।
एक व्यक्ति ने बस मान लिया कि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ही मेरे गुरु बनेंगे, बस फिर परमात्मा की कृपा बरसी, समय के सदगुरु स्वप्न में आए, दीक्षा दिए, मंत्र को हस्तांतरित किए, ऊर्जा का प्रवाह किए और आज वही नारी अपने परिवार अपने कुटुंब के साथ सद्विप्र समाज सेवा में खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम दूसरी बार करवा रही हैं। ये तालियों की धन्यवाद की पात्र हैं क्योंकि इनके माध्यम से आप सबको पुनः पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मानने से ही यात्रा शुरू होती है। वशिष्ठ जी के बात कहने पर भरत जी को क्रोध आता है, दुख होता है, वो निंदा भी करते हैं। वो कहते हैं कि ये राज्य धर्म अनुसार भैया राम का है और उनका राज्य मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं महाराज दशरथ का पुत्र हूं और महाराज दशरथ का पुत्र होते हुए मैं किसी दूसरे के राज्य को अंगीकार करूं यह संभव नहीं है। ये राज्य भी राम का है, मैं भी राम का हूं, आज से वही सब कुछ है। राम मुझसे धर्म और गुण दोनों में बड़े हैं, वे उनमें इतनी महानता है, उनमें इतने गुण है कि मैं क्या बोलूं। वे महाराज दिलीप और नहुष की तरह महात्मा है, ये मैं देख सकता हूं। अतएव इस राज्य के सच्चे अधिकारी भैया राम ही हैं। अगर मैंने इस राज्य को स्वीकार कर लिया तो मुझसे नीच कोई आदमी नहीं होगा और मैं इक्ष्वाकु कुल का कलंक माना जाऊंगा। इसीलिए हे गुरुदेव, हे वशिष्ठ जी, मैं कुल दूषक बनने नहीं आया हूं, मैं भक्त बनने आया हूं, मैं अपने परमात्मा की सेवा करने आया हूं। मैं खुद जाऊंगा, उनको लौटाने का खुद प्रयास करूंगा। आप भी चलने की तैयारी करें क्योंकि मैं आज से उनका पदानुगामी बनने वाला हूं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाला हूं। और इसके बाद भैया भरत भगवान राम को मनाने के लिए जंगल की ओर अपनी माताओं के साथ, सभी मंत्री परिषदों के साथ, उपाध्यायों के साथ वन की ओर प्रस्थान करते हैं। ये एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है बंधुओं की, भक्त के गुण क्या हैं। विरोध में भी जो अपने गुरु अपने परमात्मा के साथ खड़ा रहे, उसके बताए हुए मार्ग पर चल सके, उसके बारे में किसी से बुरा ना सुने, ये एक भक्त के लक्षण है। आगे जो होना है वो भगवान की मर्जी है, लेकिन भैया भरत अपने भक्ति की परीक्षा अब देने को तैयार हो गए। तो बंधुओं, इस छोटे से प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि भक्ति की यात्रा जो है वो कठिन अवश्य है, लेकिन अगर भक्त चलने को तैयार हो जाए तो समय आने पर भक्त भी पूजनीय हो जाता है, भक्त भी जगत वंदनीय हो जाता है। और भक्ति की नींव में प्रेम है और बिना प्रेम के आप गुरु को नहीं रिझा सकते, परमात्मा को नहीं रिझा सकते, भगवान को नहीं रिझा सकते। भक्त जो है वो सदैव अपने परमात्मा अपने इष्ट के आगमन के इंतजार में रहता है। हमने कल भी भक्ति पर ही चर्चा की थी और आज भी हम उस भक्ति के गूढ़ रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति बताई नहीं जा सकती, की जा सकती है। एक बार किसी ने ईसा मसीह से पूछा कि प्रार्थना कैसे करते हैं,
तो ईसा मसीह अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए, हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर लीं और अंदर चले गए और आनंद मग्न हो गए। वो व्यक्ति ईसा मसीह को देखता रहा कि कभी तो आंखें खोलेंगे और कभी तो बताएंगे कि प्रार्थना कैसे की जाती है। लेकिन ईसा मसीह प्रार्थना करके प्रार्थना बताना चाह रहे थे। भक्ति को भी शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, उसको समझने के लिए भक्त के जीवन को समझना पड़ेगा, भक्त की मनस्थिति को समझना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हमारे पास दो यंत्र हैं, एक दिल है और एक दिमाग है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम इन दोनों यंत्रों को गलत जगह पर उपयोग करते हैं। हम दिल लगा लेते हैं संसार में और दिमाग लगा देते हैं परमात्मा में। हम जितना सवाल परमात्मा पर करते हैं, जितने तर्क वितर्क परमात्मा के बारे में करते हैं, उतना तर्क वितर्क हम संसार के बारे में नहीं करते हैं। और जब हम तर्क करते हैं परमात्मा पर तो हमको परमात्मा भी हासिल नहीं होता है, और जब हम दिल लगा लेते हैं संसार में तब हमारा दिल टूटता है और हमें संसार भी हासिल नहीं होता है। और चूंकि हमने दिल को गलत जगह लगाया है, इसलिए हमने वास्तविक रूप में प्रेम करना और भक्ति करना हम भूल गए हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रेम जो है, भक्ति जो है, वही हमारा मूल परिचय है। किसी शायर ने कहा है, मिलते हैं लोग पूछते हैं तेरा परिवार कितना है, मिलते हैं लोग पूछते हैं तेरा व्यापार कितना है, पर कोई पूछता नहीं तेरा प्रभु से प्यार कितना है। अब ये जो प्यार है, ये जो प्रेम है, यही परमात्मा के प्रकट होने का मूल कारण है। तुलसीदास जी कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो परमात्मा जो है हर जगह है, लेकिन उसके प्रकट होने के लिए हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है। ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हैं रामायण में जिन्होंने पग पग पर अपने प्रेम की और अपने भक्ति की परीक्षा दी है। कल हमने बहुत संक्षेप में भ्राता भरत के बारे में जाना था। आज हम एक भक्ति स्वरूपा के चरित्र के बारे में जानेंगे जिनकी श्रद्धा के कारण परमात्मा खुद उनके द्वार तक चलकर आए थे। ये बात तब की है जब दंडकारण्य में भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण अपने वनवास काल को बिता रहे हैं और राक्षस राज रावण माता जानकी को अपहरण करके ले जा चुके हैं। राम और लक्ष्मण अपने प्रिय बंधुओं के साथ क्रोच वन को पार करते हैं और मातंग वन में प्रवेश करते हैं। ये मातंग वन वही वन है जहां पर मातंग ऋषि का आश्रम है। और मातंग ऋषि के आश्रम की विशेषता यह है बंधुओं कि उस आश्रम के आसपास कोई दुष्ट आत्मा नहीं भटकती है। जिस स्थान पर परमात्मा का गुणगान होगा, जिस घर में, जिस कुटिया में परमात्मा के नाम का सुमिरन होगा, उस राम के नाम का जाप होगा, उस कुटिया के आगे पीछे, उस घर के, उस मकान, उस बंगले के आगे पीछे दूर दूर तक कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। राम के नाम का यही महत्व है। और वही राम नाम देने के लिए समय के सदगुरु समय समय पर आते हैं, हमको चेताते हैं
और हमारे अंदर उस नाम को हस्तांतरित करते हैं जिस प्रकार अभी आचार्य जी ने बताया। और उस परमात्मा को रिझाना, उस परमात्मा का नाम का गुणगान कर उसको रिझाना बहुत आसान है। उस परमात्मा के अनेकों नाम हैं, जिस भी नाम से आप अपने अंदर प्रवेश कर जाएं, वही नाम परमात्मा को भी भा जाता है। एक बार की बात है, एक महिला अपने जेठ जी की बेटी चंपा के साथ कथा सुनने आई। अब कथा होती है तो कथा में भजन भी होता है, तो जो कथाकार थे वो भजन गा रहे थे, कृष्ण भजन गा रहे थे। जय रघुनंदन कंस निकंदन देव की नंदन त्वम शरणम, सब उस भजन को गा रहे थे, पर वे महिला नहीं गा रही थी। क्यों नहीं गा रही थी? क्योंकि उनके पति का नाम देवकी नंदन था। और आज भी हमारे समाज में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। तो सब गा रही थी, सब ताली बजा के झूम रही थी, लेकिन कथावाचक ने देखा कि वो महिला एकदम चुपचाप बैठी है। उसने इशारा किया कि तुम भी गाओ। तो उस महिला ने देखा कि अब तो कथावाचक जी ने भी बोल दिया है, देख लिया है, अब तो गाना ही पड़ेगा। तो वो गाती हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरणम। भगवान भी ऊपर बैठकर ये कथा सुन रहे हैं, भगवान भी हंस पड़ते हैं। तो माँ लक्ष्मी पूछती हैं कि आप हंस क्यों रहे हैं? तो भगवान कहते हैं कि भक्तों ने मुझे अनेक नाम दिए हैं, आज एक नया नाम मिला है, चंपा के चाचा। तो परमात्मा को रिझाना बहुत आसान है, परमात्मा का नाम ले लेने से ही वो आ जाता है। आप परमात्मा को किसी भी बंधन में बांधो, वो उस बंधन को निभाने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा तैयार है, पर शर्त है कि हमारे अंदर श्रद्धा हो, हमारे अंदर भक्ति हो। तो उस मातंग वन में मातंग ऋषि और उनके कुछ अनुयायी रहते थे, लेकिन समय काल बीत जाने पर वहां पर मात्र एक भीलनी रह गई। भगवान राम और भ्राता लक्ष्मण जब वहां से गुजर रहे थे और मातंग वन में प्रवेश कर ही रहे थे, उनको सबसे पहले एक कबंध नाम के राक्षस से सामना हुआ। वह राक्षस बहुत विशाल काय था, उसके असाधारण रूप से बलिष्ठ भुजाएं थी, और वो दोनों राम और लक्ष्मण को अपने बाजू में दबाकर उनको गाजर मूली की तरह खा जाना चाहता था और उनको ग्रास बना लेना चाहता था। और ये प्रथम बार था बहुत समय बाद कि राम और लक्ष्मण शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीन्हे कोई, जेहि मारग से साहब मिले प्रेम कहावे सोई। समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में श्री बद्रीनाथ धाम में 3 दिवसीय प्रेम साधना आयोजित की जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय योग साधना शिविर में सम्मिलित होकर आप साधना एवं ध्यान की गहराइयों में डूबने की कला सीख सकते हैं तथा अपने आहार व्यवहार योग ध्यान के माध्यम से असाध्य रोगों से छुटकारा पाने की तकनीक भी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक साधक अपना रजिस्ट्रेशन 17 अगस्त तक अवश्य करा लें। संपर्क सूत्र 9968 4302-03।